السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، मेरे भाई और दोस्तों, अच्छाई हो या बुराई हो, हक हो या बातिल हो, दोनों को फैलने का जरिया तबलीग है, दावत है, जिसको आज की जबान में कहते हैं मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग ही जरिया है चीज के फैलने का, बात के फैलने का। जो मैदान में आवाज लगाएगा उसका सौदा बिकेगा, और जिस सौदे को बेचना होता है उसी को फिर बार बार करना। आमतौर पर एक बात कही जाती है, तबलीग में बस एक ही बात कहते रहते हैं और कोई बात इनको आती नहीं है, और कोई बात ये समझते नहीं। तबलीग का मौजू वो समझे नहीं, तबलीग का मौजू कोई मालूमात की कसरत मुहैया करना नहीं। तबलीग का मौजू अल्लाह उसके रसूल की किताब पर तैयार अब मालूम को हासिल करना, उसके लिए फिर बार बार उसी चीज को कहना पड़ता है, बार बार अल्लाह की अजमत है, अल्लाह के नबी की अजमत है। पेप्सी को बने कितने साल आए, कोई दिन खाली जाता है इश्तिहार के बगैर, पेप्सी पेप्सी पेप्सी। वो इतने बेवकूफ हैं कि एक ही बात को रोज कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं, और उस पर वो अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं और खरबों कमा रहे हैं। जुनैद जमशेद ने मुझे बताया कि जब उसका वो गाना हिट हुआ दिल दिल पाकिस्तान, तो उसको पेप्सी वालों ने हायर किया। उस वक्त पाकिस्तान में 75% मार्केट कोका कोला के पास थी और 25% मार्केट पेप्सी के पास था। अर्ली 80s की बात है, तो यानी कि मैं सिविल इंजीनियर है, 8,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी, मुझे पेप्सी वालों ने कट रेट 2.5 लाख, और मैं तो हवा में उड़ गया, और उस वक्त 2.5 लाख पैसे भी बोल सकते। फिर जब मैंने पेप्सी पेप्सी कहना शुरू किया, दिल दिल पाकिस्तान पेप्सी दिल मांगे, और तो एक साल के अंदर 75% मार्केट पेप्सी वालों के पास चली गई और 25% कोका कोला के पास। वो एक चीज का खरीदार बनाना चाहते थे। तो आपका तो पता नहीं, हमारे घरों में ये हाल है कि हमारे बच्चे इनको दूध पिलाना हो तो मारना पड़ता है, और पेप्सी छोड़ानी है तो भी मारना पड़ता है। दूध पीते नहीं, पेप्सी छोड़ते नहीं। मुफीद तरीन चीज करीब नहीं आती, और मुजर तरीन चीज, और छोटे छोटे बच्चे की पैपी पैपी पैपी, ये तबलीग। एक चीज ऊपर फोकस करते रहे, उसकी जर्ब लगाते रहे, कुछ है सीधे साधे तबलीग में कोई बड़े बड़े खतीब चल रहे, आम लोग चल रहे हैं और
छह बरस तबलीग का काम फैल गया है, उसके पीछे जर्ब है, जर्ब तो जर्ब जो लग रही है उसके पीछे जान माल की कुर्बानी है। कोई पैसे दे तो उनको नहीं भेजता कि ये पैसे लो और बाहर बचे गए, ये पैसे लो और स्वीडन चले जाओ। तो सादा अल्फाज ने लोगों के दिलों को अल्लाह की तरफ फेर दिया। तो तबलीग के जरिए से भाइयों ये एक बात पर मुसलमान को तैयार किया जा रहा है कि वो अल्लाह उसके रसूल की मानने वाला है, इसका वो आजम करे कि मुझे अल्लाह की मान के चलना। इसके लिए अब मैंने चीजों को छोड़ना है, पकड़ना है, बदलना है, आगे पीछे करना है। मैंने अल्लाह के रसूल की मान के चलना है, उसके लिए मुझे अपनी तरतीब को आगे पीछे करना है। अब इसका उलट कि हम अपनी दुनियावी जरूरतों को सामने रखकर चल रहे हैं, उसमें कोई चीज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आ जाती है तो हो जाता, जब अल्लाह के हुक्म के खिलाफ होती है तो हम बिल्कुल बड़े आराम से कह दें गुनाहगार लोग हैं, हम कहां कर सकते हैं। इरादा नहीं करते कि तरजीहात में जरूरत शामिल है, पैसा बजा तो खुद कोई मकसद नहीं है, पैसा चूंकि जरूरतों को पूरा होने का एक सबब है इसलिए वो मकसद बन जाता है। मकसद तो जरूरत को पूरा करना है। तो मौजूदा जो तर्ज जिंदगी है मुसलमान का वो है अपनी रोजमर्रा की जरूरियात, अपनी औलाद की जरूरियात को अच्छे तरीके से हासिल करना, पूरा करना, उसके लिए हुक्म टूटना टूटता है तो टूट जाए, तरीका नबी का छूटता है छूट जाए, लेकिन वो जो मेरा मतलूब है वो ना मेरे पास से छूट। अब ये बुनियाद बन चुकी, इस बुनियाद पर इस्लाम नहीं आ सकता। तबलीग में जो एक जहन साजी हमारी हुई कि लोगों को दीन फर्दन फर्दन तैयार करना पड़ता है, कोई ऐसा जादू नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं। मसलन आदमी दीन के चलता है अंदर के तकवा से, अब तकवा डंडे से तो अंदर में उतारता है, जैसे मेरे सर में दर्द है, अब इसको आप डंडे से तो नहीं उतार सकता, ये मुझे पैसे देगा तो नहीं होता, मेरे मुंह में दवाई डालनी पड़ेगी, फिर वो अपना एक अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है उसमें से गुजरे फिर जाकर शिफा हो। तो इंसान के दिल में ईमान का नूर पैदा हो, वो पूरे जिस्म में गर्दिश करे, फिर इसकी नजर बदले, फिर ये चलेगा। अब उसके अंदर में तो पैसा उतरा हुआ है या नारे का पासपोर्ट लेना उतरा हुआ है, ये यहाँ की जॉब उसके अंदर उतरी हुई है, इसको मैं डंडे से कैसे हुक्म पर खड़ा कर सकता या माल के लालच पर कैसे खड़ा कर सकता, हुकूमत नमाज पर दुकानें बंद करवा सकती, वजू करवा सकती। मदीना में एक नौजवान मिला जरा गाजी खान मेरे सामने बैठ के रोने लगे, मेरी बख्शिश हो जाएगी, क्या हुआ? 10 साल से मदीना में बगैर वजू के नमाज पढ़ो। अब सऊदी हुकूमत ने डंडे से दुकान भी बंद कराई और मस्जिद भी पहुंचाया, लेकिन वजू पर तो सिपाही में खड़े कर सकते। क्या फिर तुम्हारा एक केसट सुना, बयान सुना, उससे कुछ वक्त से तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं, तो अल्लाह ने मुझे मिलाया, तू बता के तेरा ज्ञान सुन के मेरा रुख बदलत मेरी बख्शिश हो जाएगी, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि 10 साल मस्जिद मस्जिद मदीना बगैर वजू के नमाज पढ़ो। तो ताकत से जो तब्दीली लाना चाहते हैं वो कैसे से, और ये अल्लाह के यहाँ चलो उसको वजू भी करवा तो, लेकिन ये अल्लाह के यहाँ बख्शिश का जरिया है। जैसे बीमार आदमी को इंफिरादी तौर पर हर हर आदमी को दवा देना पड़ेगी,
ऐसे हम रूह के बीमार हैं, हर हर आदमी को मेहनत की जरूरत है, वो मेहनत करेगा तो उसे ईमानी शिफा मिलेगी। तो हमारा काम कोई मालूमात मुहैया करना नहीं है कि हम अपने इल्म का रूह जितलाएं और रोज नया वर्का सुनाएं, नहीं, एक चीज हमसे छूट गई है। क्या मन रहा उसके रसूल की मानने के लिए 100% तैयार नहीं है। जो चीज हमारे मिजाज में शामिल हो, जो शामिल नहीं है उसको एंटर नहीं कर सकते। और जो गलती मिजाज में दाखिल उसको निकाल नहीं सकते। कुछ गुनाह सूअर हम तबान नहीं खाते। गालिब से पूछा ना अंग्रेज ने 1857 की जंग आजादी में, वो भी पकड़े गए। तो अंग्रेज ने पूछा कौन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कहा जी आधा मुसलमान। तो अंग्रेज जज ने पूछा क्या मतलब, कहा शराब पीता हूं सुअर नहीं खाता। हमें सुअर से एक नेचुरल नफरत है, हम नहीं खाते, लेकिन शराब अक्सरियत पीते, हालांकि वो भी तो उतनी हराम है जितना सुअर हराम है। वो सुअर मिजाज में दाखिल नहीं, शराब मिजाज में दाखिल है। उसके छोड़ने की वजह हुक्म नहीं कि अल्लाह का हुक्म है सुअर ना खाना, मिजाज। तो मिजाज की गुलामी से निकाला था, अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी पे लाना, ये बार बार एक ही चीज को सुनाना पड़ेगा, तब जाकर ये दिन ओ भाई अल्लाह की मान मानो, अल्लाह के नबी की मान मानो। कौन अल्लाह, वो अल्लाह का ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा। मैं पिछले 15 साल से एक ही बयान करता हूँ, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह का नबी ऐसा है, नबी ऐसा है। कि अल्लाह को सुने तो फिर उनका जहन में और इसकी मानिश, अल्लाह के नबी की मोहब्बत शफकत दिल में आए, इनकी इताअत करना चाहिए। इसे तबलीग में तकरार है, आप कुरान देखो, कुरान में भी तकरार है, क्योंकि कुरान इल्म की किताब है, उसमें कोई शक नहीं। एक लफ्ज, एक एक लफ्ज का इल्म अल्लाह खोल दे तो जमीन आसमान उसके सामने छोड़ दे। बल्कि एक हदीस भी याद आ गई इसी बरकत से, बहुत पुरानी बोली, जन्नत में एक महफिल हुई जिसमें सिर्फ उलमा बैठे थे और कोई न ताजर न जमींदार न बादशाह न डॉक्टर न इंजीनियर न साइंसदान, सिर्फ उलमा। और वो कुरान के अल्फाज और मानी पर गुफ्तगू करेंगे, तो अल्लाह उन पर कुरान के उलूम को ऐसे बारिश के दरवाजे दिल पर बरसाएंगे। तो एक एक लफ्ज में हजारों बरस बात चलती रहेगी और बात खत्म नहीं होगी। टाइम तो वहां है लेकिन उस बात की लज्जत खत्म नहीं होगी, यहां तक कि उस कुरानी महफिल की गुफ्तगू में उन्हें ना जन्नत याद रहेगी ना हुरे याद रहेगी, ऐसा वादा होगा। तो कुरान एक इल्म की किताब है, लेकिन कुरान में अल्लाह ने तीन चीजों को दोहराया, आखरत, तौहीद, रिसालत। वो ज़हन साजी है तो बेहे ये आला के रब के कुमार कर के बाद एक दफा कर नहीं पता नहीं थी 31 दफा। और आप जरा सुनो, वले मन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नतान तो बेहे ये आला के रब के कुमार तो कर के बाद। पहला एक जुमला तो है आगे गवाता अफना एक लफ्ज तो बेहे ये आला के रब के कुमार तो कर के बाद। फिर मुदहा मतान एक लफ्ज तो बेहे ये आला के रब के कुमार तो कर के बाद। कुरान एक जहन बनाता है अल्लाह की मान के चलो, अल्लाह कुरान एक जहन बनाता है कि अल्लाह के रसूल की मान के चलो कि वो सच्चा राहबर है, तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाएगा मिलाएगा। कुरान एक जहन बनाता है कि दुनिया मुख्तसर है, आखिरत असल है, उसको साथ रखो। एक आदमी अच्छे फ्यूचर के लिए मेहनत करते 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 जब इस काबिल होता है
90% तो 95% तो उस सत्ता को पहुंचते नहीं जो वो सोचते, 99% 100 में 100 वो लाखों में कोई एक, लाखों के फ्यूचर सोचते हैं अधूरे रह के मर जाते हैं, उन लाखों में कोई एक उस सोच तक पहुंचता है जो उसने खाका बनाया था, लेकिन जब वो उसमें रंग भरता है तो जिंदगी की शाम हो चुकी होती है। मेरा भाई हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो कभी कभी कहता है कि मेरी दौलत का मुझे क्या फायदा, जब मेरे ऐश के दिन थे तो वो तो पढ़ने में गुजरे, सीखने में गुजरे, मेरी दौलत मेरे किस काम, जब शौक खत्म हो गए, जज्बे खत्म हो गए, अब इस पैसे को क्या करें, पता नहीं औलाद के नसीब है कि नहीं, समझता है कि मेरा फ्यूचर बन गया तो आगे कब्र पर आई खड़े और मौत साथ पर दस्तक दे दी। तो कुरान ये जहन बनाता है कि दुनिया आरजी जिंदगी है, यहां तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी हो नहीं सकती। मसलन एक आदमी को पैदाशी तौर पर अल्लाह ने बहुत खुश दे दिया, उसको कमाना नहीं पड़ा, आप तो कितनी मशक्कत उठाकर आए, आपको पहले से ये नजीर साहब हजरात जब यहां आए होंगे कितनी मशक्कतें इन्होंने यहां देखी हूं। एक आदमी को पैदाशी तौर पर सब कुछ मिला लेकिन उसके पास भी टाइम कितना है, 60-70 साल बाद, 60-70 साल, इसके बाद तो खुद मौत की तमन्ना शुरू हो जाती है, जिंदगी इतना बोझ बन जाती है कि आदमी तमन्ना करता है औलाद तमन्ना करते है कि मर जाए। तो अब हम यहां शौक पूरे करना भी चाहें, असबाब थोड़े हैं, और अगर किसी के पास असबाब हैं तो टाइम थोड़ा है, टाइम सबके पास थोड़ा है, इस अरबों खरबों साल की कायनात में 60-70 साल क्या चीज, 70-80 साल क्या चीज, तो चीजें आदमी लेता है हासिल करता है। हमारे लाहौर में बहुत अरबों पति आ गए, तो उसके बच्चे ने मैट्रिक की और बड़े अच्छे नंबर लिए, तो उसने खुश होकर अपने बेटे को लैंड क्रूजर दिया और वो बच्चा पहले दिन लेकर नहर पर निकला और गाड़ी उल्टी और बच्चा मर गया। ये दुनिया में रोजाना हो रहा है, रोजाना ये रोजाना हो रहा है, सिर्फ शद्दात के साथ नहीं हुआ कि जब सारी जन्नत बन गई एक कदम अंदर और एक बाहर और मौत आ गई, यहां रोजाना ये किस्सा हो रहा है, तमन्नाओं को यूं उंगलियां टच करती और मौत पहले आ जाती है। तो कुरान तीन जहन बनाता है कि अल्लाह की मान के चलो, अल्लाह के रसूल की मान के चलो, और दुनिया को फानी समझो और आखिरत को हमेशा का घर समझो, उसकी कैरियर। तो तबलीग जहन साजी की मेहनत और ये आपकी मेरी हम सब पर फर्ज मेहनत, ये उस सतह पर नहीं है कि करो तो ठीक है ना करो तो कोई फर्ज नहीं। मौलवी होते हैं कितनी गुंजाइश निकाल लेते हैं, एक तो ऐसे लतीफा को मौलवी बैठा नुस्खा खुद ही माई की गठड़ी गुम होगी ज्यादा कि मौलवी मतलब भी हो गए उस मन क्या माता ले देने भी कोई नहीं देवने कोई ना कोई चक्कर चला ही लगता। तो कम अज कम अच्छा मैंने अल्लाह के फजल से बड़ी मेहनत से पढ़ा, मतलब कोई बद्यांती से नहीं पढ़ा, क्योंकि अपने शौक से पढ़ा, शौक से घर छोड़ा, शौक से सारे आराम छोड़े, राहत छोड़ी, माँ बाप ने घर से निकाल दिया, एक जज्बा था, तो
अपनी जान मार के पड़ा तो मैं तो जरूर कोई गुंजाइश निकाल लेता आराम گنجائش نہ نکال لیتا اللہ کی قسم مجھے گنجائش نظر نہیں آتی تو میں تمہارے لیے کیسے گنجائش نکالی کوئی گل نہیں کیڑا کوئی ضروری ہے دین پہ چلنا ہم سب پہ فرض ہے اور اس کے لیے دوسروں کو تیار کرنا بھی ہم سب پہ فرض ہے ورنہ نبوت کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور نبی آتے رہتے ہیں نبوت کے دروازے کو بند کرنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ اب یہ امت وہ کام کرے گی کن تم خیر امت کتنی بڑی شاباش اللہ نے ہمیں شاباش تمہارے جیسا میں نے بنایا کوئی کس وجہ سے نماز روزے حج زکات عبادات نہیں اخرجت للناس تمہیں وہ کام دیا جو کسی کو نہیں دیا کہ تمہیں گھروں سے میں نے نکالا ہے کس کام کے لیے تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تم میرے پیغام کو لے کر پھرتے ہو لوگوں کو میری اطاعت پر تیار کرتے ہو میری نافرمانی سے بچاتے ہو یہ ہماری وجہ عزت ہے یہ ہماری وجہ فضیلت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل جب اللہ کے نبی پر بہت خوف کے حالات بن گئے تو آخر انسان ہونے موسیٰ علیہ السلام نے بھاگ پڑے تھے سانپ کو دیکھ کر اثر ہوتا ہے اللہ کے نبی غار میں چھپے اثر ہوتا ہے اللہ نے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک اے میرے حبیب تو یہ کام کر جو تجھے دیا گیا پھر کیا ہوگا پیچھے کے آئے چھوڑ کے کہتا ہوں واللہ یعصمک من الناس تیری حفاظت میرے ذمہ ہوگی تو کام کر حفاظت میں کروں دنیا کی بھی حفاظت کروں گا دین کی بھی حفاظت کروں گا تو میرے بھائیو اس پرائے دیش میں اب یہ آپ کا دیش ہے اگر آپ کے پاس نارویجن پاسپورٹ ہے تو اب یہ آپ کا دیش ہے چلو جو پہلی نسل آئی ہے ان کا پاکستان سے کر اگلی نسل کا تو پاکستان سے کوئی تعلق وہ تو یہیں کی پیدا ہوتا ان کو تو وہاں سے زیادہ یہاں کی زبان آتی تو اسے اپنا وطن سمجھو اور اسے اپنے دین کی حفاظت اور اپنے نسلوں کی دین کی حفاظت کے لیے یہاں فضا قائم ہے یہ ہمارے ذمے ہے جنوبی امریکہ میں اوہو پچھلے 100 سال میں کوئی 1 کروڑ مسلمان مرتد ہوئے کہ دنیا کمانے گئے اور ایسا لگے کہ بچوں کے لیے نہ کوئی مسجد بنائی نہ کوئی مدرسہ بنایا نہ کوئی اپنا سکول بنایا بس مال بناتے رہے مال بناتے رہے مال بناتے رہے اوپر سے وہاں کی عورتوں سے شادیاں کی اگلی نسل کو کسی نے دعوت نہیں دی وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا باپ مسلمان میامی ایئرپورٹ پر ہمارے ساتھ واقع ہوتا ہم جا رہے تھے اسنڈی ہمارے ایک ساتھی نے وہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی مگر بھی مراکو والی ٹوپی پہنی ہوئی ایک لڑکی آ کے کھڑی اس کو صرف دیکھتے ہیں تو اس نے کہا کیا دیکھے کہ یہ ٹوپی میں میرا دادا پہنتا تھا یہ ٹوپی میرا دادا پہنتا تھا تمہارا دادا کہاں سے مراکو سفر اچھا اس کا مطلب ہے تم مسلمان ہو کہا نہیں میں نہیں میں تو کرسچن ہوں میرا دادا مسلمان تھا اس نے تھوڑی کوشش کی جہاز
की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा वक्त है। उनका नहीं नहीं मुसलमान मुसलमान ही होता है। उनका नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको किसी ने दावत नहीं दी, जो पहुंचे उन्होंने सिर्फ पैसा दिया। और मैं गया पानामा वेंसुवेला, वहां ऐसे अरब बैठे हुए हैं जो पूरा पूरा मुल्क खरीद, ऐसे अरब बैठे वेंसुवेला और पानामा 3 घंटे की फ्लाइट है, मेरे पास वीजा नहीं आता। तो वहां के अरबों ने, अब जब अल्लाह रिस्क दे और साथ दीन दे तो फिर किस तरह खर्च हो जाता। तो वहां के अरबों ने कहा कि हम तुम्हें यहां बयान के लिए लाना चाहते हैं, वेंसुवेला का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लग सकता ही नहीं। कहा ये हमारा अपना स्पेशल जहाज लेकर मुझे वहां से बगैर वीजे के उठाए और वहां एयरपोर्ट पे जाके उन्होंने स्पेशली हमारी स्टैंपे लगवाई, ले गए, एक बयान करवाया, एक बयान, और जितने तुम बैठे हो इतने ही बैठे, और उसमें भी पाकिस्तानी भी थे और अरब भी थे। और अगले दिन उसी जहाज पर खूबसूरत जहाज 8 सीटर जेट, मुझे ये दुस्त जो बिल्कुल ना पता था उन्होंने पैसे कितने खर्च किए। कि जब दीन आता है तो फिर आदमी दीन के लिए कैसे लगा था। अभी सिलेक्शन में हमारे करीबी जिम्मेदार हैं, एमपीए का इलेक्शन लड़ने के लिए 6 करोड़ का रकबा बेच दिया और 6 करोड़ सारा लगा दिया और 5 साल की सीट, और उसका जो मुकाबले में उसका कजन था उसने भी 6 करोड़ की जमीन बेची, उसकी सारी छोड़ दी। यानी असल बेचा था, प्रॉफिट नहीं, असल बर्बाद हुआ। तो मैंने उसको उसका नाम था बशार, तो ये क्या हुआ होगा तुम्हारा खर्च, छोड़ छोड़ छोड़। मैंने कहा मुझे नहीं बताया, मैंने मेरे साथ जो एक और साथी था मैंने कहा तुम इससे पूछो। तो उसने कहा कोई ज्यादा खर्चा नहीं, बस $20,000 खर्च, $20,000 एक बयान, एक बयान के लिए $20,000 एक आदमी ने ठोक दिया। और बयान कितने आदमी का, 100 अरब मुश्किल से बैठ रहे, टोटल मन में आपको 300 का होगा, जिसमें वेंसुवेलियन मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान और सोमालियन मुसलमान और अरब जिनको सुनाना चाहते, 30-40-50 उनके मसूर। तुमसे आज तक ना मदरसा बन सका ना स्कूल बन सका, पाकिस्तान में जायदादें बनाई, यहां जायदादें बना रहे हैं, पीछे जायदादें बना रहे हैं, सोच ही नहीं रहे कि अगर हमने अगली नस्ल को ना सोचा तो ये उसी तरह इस्लाम से फारिग हो जाएंगे जैसे वो फारिग हो गए। अब ये तुम्हारा देश है तो तुम्हारी नस्ल यहां परवान चढ़ गई, इनको तबलीग की तरफ मुतवज्जे नहीं करोगे, इनके लिए तालीम का इंतजाम नहीं करोगे तो अगली नस्ल ज़ायब हो जाएगी। अल्लाह ताला ने पहला घर दुनिया में जो बनाया वो मस्जिद थी। इन्ना अव्वल बैतन वुदिअ लिन्नास, उसको कहा लिन्नास कि लोगों के लिए सबसे पहला घर जो मैंने बनाया है, लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन बदल लिल आलमीन, वो मक्का की मस्जिद थी जो मैंने सबसे पहले बनाया। और जब हमारे नबी मदीना गए तो सबसे पहले मस्जिद बनाए, अपना घर बाद में बनाया, पहले मस्जिद बनाए। जब आप कुबा में ठहरे 2 हफ्ते कुलसुम बिन हदम के मकाम पर, कुलसुम बिन हदम के मकान पर जब आप तशरीफ लाए तो आपको कुलसुम बिन हदम कुबा के सरदार थे बनी औफ कबीले, उन्होंने अपना घर ठहराया। तो आपने कहा पहले यहां मैं मस्जिद बनाऊंगा, 2 हफ्ते वहां ठहरे और मस्जिद बनाए, मस्जिद कुबा। आप के ऊंटनी बैठी थी
आपने कहा अबू बकर ऊंटने को उठाओ, अबू बकर उन्होंने जोर लगाया नहीं उठी। अस्करा का उमर तुम उठाओ, अस उमर आयो पूरा जोर लगाया, शुतरबान नहीं उठा सकता। राम का अली तुम उठाओ, अली जोश में आकर उसके ऊपर सवार और उसको उठाया, उसने जो एक झटका दिया हजरत अली उड़ के हो गए। आपने कहा यह इशारा है कि मेरी मस्जिद यहां बने, वहां मस्जिद कुबा हो, आप खुद पत्थर उठा रहे हैं। अलग अभी एक मुसलमान वहां नहीं था, ये चंद एक होंगे कुबा में, चंद एक मुसलमान थे। दो हफ्ते क्या फरमाया और उसके बाद आप मदीना तशरीफ ले गए, तो जुमा की नमाज आपने बनू सालिम के मोहल्ले में पढ़ाई और उसके बाद जब आप तशरीफ ले गए मदीना, तो आपकी आपके दिल में था मैं अपने नानकों के घर पर बनू नज्जार। अब्दुल मुत्तलिब की जो वालिदा थी वो बनू नज्जार से थी, लेकिन आप जबान से कहते हुए आप को इसलिए हया थी करते दूसरे कहेंगे हमें छोड़ दिया और उनके पास चली गई। दिल में ख्वाहिश थी कि बनू नज्जार का मेहमान बने, तो जब आप मदीने में एंटर हुए तो यूं कतार में खड़े हो गए, बनू नज्जार, बनू अब्दुल अशर, बनू बैदा और औस और खजरज और बनू सुलेम और बनी सालिम, इस तरह बनू अजलान, ये सब बड़े बड़े कबाइल के सरदार। या रसूल हमारे पास, या रसूल जब आप मदीने में एंटर हो तो आपने कोटनी की वो महार छोड़ रस्सी छोड़ दो, यू छोड़ छोड़ आपने कहा भाई इन्नहा मामूरा, भाई इसको अल्लाह का अमर है जहां वो चाहता है वहां जाकर बैठेगी, आपने उसको यूं फेंक दिया, उसकी रस्सी को डाल दिया। तो सारे सरदार बढ़ बढ़ के दावत देते रहे, चलती चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई। मदीने के सेंटर में एक खाली जगह थी, वहां जाके वो बैठ गए। तो आपने कहा ये मस्जिद जहां आज मस्जिद नबवी है, तुम आते जाब के ढूंढने में लगे, तुम आते मस्जिद बनाते, तुम मुसलमान थे, तुमने पहली सतर कुरान की पढ़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पालने वाला अल्लाह है। काफर को धोखा लगा अल्लाह के माबूद होने में, कोई पत्थर के आगे झुक गया, कोई इंसानों के आगे झुक गया, और मुसलमान को धोखा लगा अल्लाह के रब होने में। उसके बाद वो उठी ऊंटनी और उसने ऐसे देखना शुरू किया जैसे आदमी देखते हैं, चारों तरफ घर थे तो ऊंटनी नहीं देखने, फिर एकदम उसने बनू नज्जार की तरफ रुख किया और उनके महल्ले में दाखिल किया और जाकर अब अय्यूब अंसारी के घर के करीब बैठे। फिर आपने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, वो यतीम बच्चों की जमीन थी तो उन्होंने हदिया करना चाहिए, तो आप उन्होंने नाबालिग से हम हदिया कबूल नहीं करते हैं, भी यतीम उसकी कीमत अदा फरमाई और फिर मस्जिद की बुनियाद रखी, उसके भी पत्थर खुद ढो ढो के खुद पत्थर लगा लगा के अपने मस्जिद को बनाया। और जब अल्लाह दुनिया को तबाह करेगा तो पहले बैतुल्लाह को उठाएगा, पहले मस्जिदों को खत्म करेगा, फिर क्यामत को कायम करेगा। बैतुल्लाह के होते क्यामत नहीं आ सकता, लिहाजा पहले हबशे का एक लश्कर, हबशी एक आपने कहा मैं देख रहा हूं हबशी हबशे वाला हबशी काला ना हबशे वाला, वो बैतुल्लाह का एक एक पत्थर तोड़ रहा है, उसको तोड़ दिया जाए गिरा दिया जाए, फिर उसके बाद अल्लाह क्यामत को कायम फरमाएगा। लेकिन मस्जिद को इतनी इज्जत मिली है कि जब क्यामत कायम होगी तो सारी जमीन जेरो जबर हो जाएगी, लेकिन जब पहला झटका आएगा जमीन को तो जहां जहां जमीन पर मस्जिदें थी सो तो यहां कुछ को नहीं होगा। मुझे लगता है कि सारी आबादी सिमट कर मशरक़ वस्ता में होगी क्यामत के करीब,
मुझे कहीं सरात तो नहीं मिली, लेकिन जब मैं वो क़यामत की अहादीस पढ़ता हूँ तो उससे मुझे कैसे क्या साफ है कि दुनिया की आबादी सुपड़ कर उसी सेंटर में हो, या हो सकता है कहीं और भी हो, यहाँ भी हो, लेकिन मस्जिद तो नहीं होगी, क्योंकि क़यामत उस वक्त आएगी जब अल्लाह कहने वाला दुनिया से हट जाएगा और मस्जिद मिट जाएगी। तो जब पहला जमीन को झटका आएगा तो जहां जहां मस्जिदें बनी है ना वहां वहां से वो जमीन यूं उखड़ के ऊपर उठ जाएगी। ये आपकी मस्जिद है, ये जहां जहां इसका ये एरिया है, ये जैसे वो माली नहीं पौधे को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाता है तो बड़े सलीके से उसको यूं बदला, तो ऐसे जमीन को यूं काट कर ऊपर हर जगह से यूं 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 वो अल्टा में मस्जिद थे वहां हमने नमाज पढ़ी थी वो भी यूं उठी थी और पूरी दुनिया की मस्जिदें यूं उठेंगी और फिर ये बैतुल्लाह की तरफ सफर शुरू करेंगे और बैतुल्लाह की जमीन भी ऊपर उठ जाएगी, वहां भी कुछ नहीं होगा, बैतुल्लाह नहीं होगा, मस्जिद की कितनी बड़ी मस्जिद बनी हुई है बैतुल्लाह की, जीरो एक पत्थर भी नहीं होगा, वो भी उखड़ जाएंगे। फिर ये सारी मस्जिदें बैतुल्लाह इकट्ठी होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी, फिर इनको अल्लाह तबारक व तआला जमीन के इन टुकड़ों को जमा करेगा और फिर इनको उठाकर जन्नत में डाल देगा। इसलिए मेरे नबी ने कहा मस्जिदें जन्नत के बाग हैं, मस्जिदें जन्नत के बाग हैं। जब अल्लाह ने कायनात को आबाद करने का इरादा किया तो मस्जिद बनाई, और जब बर्बाद करने का इरादा करेगा तो मस्जिदों को उठा देगा तोड़ देगा। तो मस्जिद के साथ मुसलमान को जोड़ा, अल्लाह ने कहा बुयूती फिल अर्द मसाजिद, मस्जिद दुनिया में मेरा घर। एक दफा हारून रशीद ने कहा गुस्से में अपनी बीवी से, अगर आज रात तूने मेरे मुल्क में गुजारी तो मैं तीन तलाक, पीछे सिर ना तो बह गया भी मारे गए, एक ही की थी, कोई जहाज तो है नहीं जो घोड़ा के नारे पहुंचा दे, तेज तरीन सवारी घोड़ा है, घोड़ा कितना भगाएगा, तीन बर्रे आजम थे उसकी हुकूमत से। तो उसने बोला मार बैठे थे कबर ये चगल मार बैठा हूं दसों की कर, सारे उलमा ने कहा रात आएगी तलाक पड़ जाएगी, यही है कि तेरी सल्तनत से बाहर निकले वरना रात आएगी तलाक पड़ जाएगी। तो उसने कहा अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा के कोई है शागिर्दों में का एक है अबू यूसुफ रहमतुल्लाह, उसको बोलो वो आए, उनसे पूछा कि अबू यूसुफ मैंने यूं कह दिया है कोई तलाक ना पड़ने की सूरत, कहा रात मस्जिद में गुजारे तलाक नहीं पड़े, तो उलमा ने उनको ऐसे सवालिया नजरों से देखा भी ओ किमें, तो उन्होंने फरमाया वो कुरान की आयत पढ़ी हुई अन अल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें अल्लाह की, इसमें हारून की हुकूमत नहीं है। तो उसने रात मस्जिद में गुजारी, वो तलाक से बची और वो यूसुफ को चीफ जस्टिस बना दिया। तो अल्लाह ताला के नबी ने मस्जिद बनाया, तालीम का इंतजाम किया, और ये आंखों से आप जाके देखो कि वहां की नस्लें अरब नस्लें ईसाई हो गई कि उन्होंने ना मस्जिद बनाई ना मदरसा बनाया ना स्कूल बनाया, चलो को अपना इतने पूरा नॉर्वे खरीद लें वेंजुएला और पानामा के अरब में, उन्होंने एक स्कूल ना बनाया अपने बच्चों को इस्लामी रंगीन तालीम देने के, मदरसे को तो चलो छोड़ो, एक मदरसा ना बनाए मस्जिद ना बनाए। अब तबलीग का काम गया है, मुझे एक वेंजुएला का अरब मेरे गले लग के थोड़े मार के रोने लगे, कहने का अगर तुम लोग ना आते तो जितने हम बच गए ना हम भी सारे मुर्तद हो चुके, हम तबलीग